आपको, सरकार को कैसे मदद प्राप्त की आपने? सर 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर हम चार लड़कियां घर में, खाली बेटियां ही है, भाई हमारे कोई नहीं है, तो हम ऑफिस में जाके दर दर की ठोकरें खाने से बच गए और ऑनलाइन ही बैठे ही वो सारी सेवाएं हमें प्राप्त हो गई। सर अभी बेक ओ क्लॉक के नाम बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग आपकी मंथली सेल हो जाती है। सर 12 अक्टूबर 2023 आपको, जी सर, क्योंकि क्वालिटी बहुत मैटर करता है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी तो कुछ स्पेशल प्रयास करते होंगे। जी जी सर, सर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओएसएस पे बनाते हैं, जितना हमारा वहां से ऑर्डर बनता आता है और फ्रेश बेकरी ही बनाते हैं। और सर हमारा फूड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने यह है कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तभी एक सारी मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि आज लगभग मंथली हम 2 लाख। ये स्टार्टअप की तरह दुनिया का झुकाव है, टीयर टू टीयर थ्री सिटी में भी स्टार्टअप फील्ड को प्रतिनिधित्व करती है। इसके विषय में सरकार की जो उन सुविधाओं से आपको कितनी मदद मिल रही है? हमारी जितनी भी सरकार की स्कीम्स है हमने अभी तक इसलिए लाभ नहीं उठाया क्योंकि हम स्टार्टअप में अपना ही, हम इंडिपेंडेंट थे और जो इंक्यूबेशन लेकिन हमें मिला स्किल डेवलपमेंट से, वहां हमें जगह ये इक्विपमेंट्स मिले, मशीन्स मिली जिसपे हमने काम तक, और उस 8 मंथ में जितना हमने अर्न किया उसी से हमने आज फैक्चरिंग यूनिट के सभी इक्विपमेंट्स लाए और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए सपोर्ट था। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने हर संभव कोशिश कर रही है, और आपने तो खुद ने अपनी चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में से जोड़ा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। हमारी सहज कि हमारे युवाओं के आइडिया को संसाधनों कभी ना हो, हमारे नौजवान साथी बुलंद हो, नए क्षेत्रों में कदम रखे, और ये सारी बहनें हमारे देशों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जम्मू कश्मीर की बेटियां विशाल खड़ी कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर इतना ही नहीं, सर हम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो हम जैसी अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं उनको भी स्किल दे सके और वो भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करे, ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी। आपको बहुत शुभकामनाएं है, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एलजी से भी कह रहा हूं कि आपके इस मिशन को जितना बल दे सकते हैं सरकार की तरफ से पूरा बल मिलेगा, क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, और अंडर प्रिविलेज बेटियों की चिंता करना ये और बड़ी बात है, इसमें एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। और अब हमारे सामने आ रही हैं हमीदा बानो। हमीदा बानो का ताल्लुक गांधरबल जिले से है। हमीदा बानो ने NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत दूध की पैदावार में नुमाया कामयाबी पाई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमीदा जी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं, और आपके विषय में, अपनी यात्रा के विषय में, ये सफलता की सीढ़ियां कैसे प्राप्त की मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं। जी आदाब सर, मेरा नाम हमीदा है, मैं ब्लॉक ला डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बोल रही हूँ। सर मैंने 12वीं पास किया था, 12वीं पास करने के बाद मैं घर में ही खेती बाड़ी के कामों में घर वालों की मदद कर रही थी, तो फिर 2013 में NRLM स्कीम आई तो मैं इसके साथ जुड़ी। तो ये सर एक ऐसी स्कीम थी जो घर घर में गई और घर घर से हर एक औरत को बाहर निकाला, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। तो उसके बाद मैंने NRLM से जुड़कर ही लोन लिया, तो वहां से मैंने एक गाय लाई,
तो और अपने आसपास के घरों में देखा कि गांव में गाय पालने का काम आम है, तो वहां देखा मैंने कि जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं इसके बाद कुछ दूध बचता है जो जाया होता है, तो इसी पे मैंने काम किया और मैंने 2019 में एक मैन्युफैक्चर यूनिट खोला जिसमें मैंने इस दूध को प्रोसेस किया, जहां पे मैं एक पाउच पैकिंग करती हूं और दही भी बनाती हूं और मैं चीज भी बनाती हूं। सर, इसमें एक खास बात ये थी कि मैंने न सिर्फ अपने आप को रोजगार दिया बल्कि अपने साथ औरों को जोड़ा, जैसे मेरी बहनें उनको जोड़ा जहां से मैं दूध कलेक्ट करती हूं। कितने लोगों को रोजगार मिला होगा आपके कारण? जी सर, मैंने अपने साथ 5-6 बंदों को जोड़ा है, उसके अलावा अपने। अच्छा, मिल्क प्रोसेसिंग में क्या क्या करती हैं? सर, मैं मिल्क प्रोसेसिंग में पैकेट्स बनाती हूँ जिसमें हम दूध वगैरह की क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसमें खास बात यह है सर कि जो हमारा दूध वहाँ से प्रोसेस होता है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, जो कोई बच्चा भी पी सकता है और बीमार भी पी सकता है, जिसकी उसकी सेहत ठीक रहती है सर। अच्छा, मार्केट मिल जाता है आपको? सर, मार्केट इजी से आज मिल जाता है क्योंकि ऑनलाइन है। जो पैकेजिंग की पद्धति अपनाई है, जरा उसके विषय में भी बताइए। सर, जो हम पैकेज करते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे इसको मेंटेन करें, इसको कैसे बॉइल करें, इसको कैसे चिल करें, फिर इसके बाद इसको पैकेट्स में कैसे डालें, फिर कैसे क्रेट्स में डालें, फिर कैसे इसको मार्केट में डिलीवर करें, क्योंकि ये जो हमारा दूध है इसकी जो लाइफ है 2 से 3 घंटे रहते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद ये फट जाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि क्वालिटी बराबर मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज आए क्योंकि मार्केट में बहुत सारा दूध अवेलेबल है जो प्रिजर्वेटिव है, जिसको 2 दिन भी निकलते हैं, 1 दिन भी निकलता है, तो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जैसे ही दुकानदारों ने समझा, लोगों ने ये दूध इस्तेमाल किया, तो उनको पता चला कि सही क्वालिटी क्या है, इससे हमें क्या फायदा है। हमीदा जी, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं और इसके साथ साथ आप पोषण का भी काम कर रही हो, भारत सरकार का पोषण का बड़ा अभियान है। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर के बाजार में गई हो उसके कारण न्यूट्रिशन के जो इश्यूज होते हैं उसको भी एड्रेस कर रही हो, आप एनवायरनमेंट की भी चिंता कर रही हो और आप वैल्यू एडिशन भी कर रही हो, एक साथ आप अनेक काम कर रही हो। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आज आप सब